आज हम आपको एक ऐसी पत्नी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक बार छोड़ के पति को भागती है, फिर आती है, फिर दोबारा भागती है, फिर आती है, और फिर तिवारा जो है वो दूसरे के साथ भाग जाती है। पूरा कहानी आपको हम सुनाएंगे। हमारे साथ में वही प्रीत पति हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, एक लड़के को साथ में लेकर जो है घूम रहे हैं। और हालांकि आपको बता दें, इनको हर चीज़ से ये परिपूर्ण है, इनको पैसा भी है, इनको अच्छा घर भी है, इनको हर वो चीज़ है, लेकिन फिर भी इनकी पत्नी जो है क्यों इनको छोड़कर दूसरे के साथ फरार हो जाती है। और आपको बता दें कि ये पूर्णिया से हैं और हम लोगों को सुपौल में जो है ये कहीं पे मुलाकात हो गए, और जब ये अपनी पूरी आपबीती कहानी सुनाए तो हम लोगों को लगा कि इसकी जो सच्ची घटना है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए, ताकि लोग सतर्क रहे। लोग जो है आखिर पत्नी पर भी विश्वास कैसे करें, ये सबसे बड़ी सवाल है। जो पत्नी एक बार भागती है, फिर आती है, फिर भाग जाती है, फिर दोबारा आती है, फिर तिवारा भाग जाती है, ये बच्चे पूरा सच्चाई बताएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें, मैं हूं दुर्गेश और आप DNY न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग सुपौल में हैं और ये सुपौल में ही कहीं मुलाकात हो गए, कहीं रिलेटिव के यहाँ आए हुए थे, तो ये इन्होंने कहा कि सर हमारा जो आप बीती है वो अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप दिखाइए। तो आपका कहाँ घर है? मेरा सर पूर्णिया भी है और गांव मेरा बाहरा कोटी हुआ। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपका शादी कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था? शादी सर वही 2006 ईस्वी में ये लड़की जो है लव मैरिज की थी हमसे। अच्छा, 2006 में। हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद बच्चे कै गो हुए? बच्चे सर दो बेटा हुआ था। आप लोग का रिश्ता जो है कब तक ठीक ठाक चला, यानी कि आपको कब तक जो है इस चीज़ का महसूस नहीं हुआ कि हमारी पत्नी किसी दूसरे के साथ भाग भी सकती है, या तो कब तक जो है आप लोगों का रिश्ता ठीक ठाक चला? शादी के सर 5 साल तक रिश्ता ठीक ठाक चला, दो पुत्र हुआ। उस 5 साल के दरमियान लड़की जो है कहीं मतलब आई गई नहीं। अच्छा ठीक है, और फर्स्ट क्लास रहती थी, कहीं कोई दिक्कत ना है। अच्छा। अगर हम 2 रुपया ही रोज़ कमाते थे तो उसी में गुजारा अपना करती थी। अच्छा, अच्छा। तभी तो उतना कमाते भी हम नहीं थे। आप क्या काम करते हैं? हम सर हमारा मसाला का कारोबार है। अच्छा। और DTO ऑफिस का टोटल काम करते हैं। अच्छा। और सर हम प्रॉपर्टी डील का काम करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी डील का भी काम करते हैं? जी जी जी। तब तो अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे? जी हाँ, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के रिश्ता में दरार कब से आने लगा, कब से आपको इन सब चीज़ों का महसूस होने लगा कि आपके साथ जो आपकी पत्नी है वो छल कर रही है, कब से ऐसा मालूम होने लगा? शादी के सर 5 साल बाद जो है मतलब क्या कहते हैं, लड़की की माँ जो है ना उसका आना जाना लगा रहा, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ। अच्छा। और हम उसके यहाँ जाते आते नहीं थे। तो हमको अब वाले जा हमको उससे हमको लड़की का माँ बाप से कोई मतलब ना नहीं था। हम तो लड़की को जान रहे थे। तो लड़की जो है वाले जा जो जैसा बोलेगी तब वही ना सोचेंगे। तो लड़की क्या कहते हैं मतलब सर मतलब क्या कहते हैं वो हमको बोली कि क्या कहते हैं आपको अपना मायका से कोई मतलब ना, जो मतलब आपस से मतलब है। हमारा शादी उदी भी सर लगा हुआ था, कुछ मान लीजिए 10 लाख रुपया मतलब तिलक भी मिल रहा था, उस अभी हम छोड़ दिए। ठीक, सबको ठुकरा के आप लव मैरिज का। हाँ हाँ हाँ। और ये लड़की मतलब खुद हमसे मतलब क्या कहते हैं फंसा के फंसाई हमको, खुद शादी की। अच्छा। तो हम भी सर मान लीजिए अटैच हो गए, उसके बाद जो है सारा चीज़ बल जाए जो होता। अच्छा, है आपके साथ जो है शादी की, आप बच्चे भी हुआ, उसके बाद जो है ऐसा क्या हो गया, कहाँ से आपका रिश्ता गड़बड़ाने लगा, ये चीज़ बताइए। उसके बाद उसको सर मायके से ट्यूशन मिलने लगा, उसकी माँ करप्ट टाइप की औरत थी। अच्छा। उसका जो है व्यवहार अपने पति के साथ वैसा ही रहा 30-40 साल। अच्छा। तो ये बात हम सर नहीं जान रहे थे। जब हम शादी कर लिए 2-4 साल हो गया तो कुछ दिन बाद गांव का आदमी हमको बोला कि इस लड़की को आप छोड़ दीजिए, ये आपका घर मतलब बसने नहीं देगा, ये औरत बर्बाद कर दे। हाँ, तो फिर भी हम अपना बच्चा सबका मुँह देख के हम सोचे कहो उसका माँ सबको क्या मतलब है, हमको उसके यहाँ तो जाना आना है नहीं। लड़की हमारे साथ भाई ठीक है तो ठीक है, मतलब आप ये सोच के शादी किए कि उसके मायके से हमको हाँ। कोई लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन उसकी माँ जो है आपके यहाँ आती जाती थी। हाँ, दखल अंदाज़ कहीं न कहीं दाल में काला था जी। तो हमको तो उतना टाइम नहीं था औरत के पीछे झांकने तकने का, हम अपना काम धंधा से बाहर रहते थे। उसके बाद उसको धीरे धीरे जो है ना अपने यहाँ आने जाने का आदत लगा दी। अच्छा।
मैं क्या न जाने का। तो वो जब मन तब अपना दो दिन क्यों आती थी आपके यहाँ, आपकी सास क्यों आती थी? अभी तो हम नहीं जानते हैं सर कि कहे आती थी, उसके मन में क्या था और हम पूछते भी नहीं थे लाश से। अब मतलब कि क्या कहा जाए, छोटा मोटा बात को तो केयर नहीं करते थे। और वैसे उसका आना जाना अभी हमको सही लगता नहीं था, ठीक है। वो आ रही थी जा रही थी तो हमको कुछ लगता था कि कुछ ये गड़बड़ टाइप का औरत है, और उसका आने जाने का एक्टिविटी या उसका रंग ढंग। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये महिला जो ये लड़की जो है वो आपको पहली बार मिली कहाँ थी, कैसे मुलाकात हुई उससे? ये लड़की सर हम मतलब वही मतलब क्या कहते हैं अपने गांव में जो है नाना के यहाँ जाते थे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसी के रिश्ता में ये किसी का दियाद वाद में लगती थी, तो ये हमसे मतलब मिलने जुलने लगी, मतलब कि अकेले सुना मतलब भी सुना। अच्छा। ठीक है सर, अब तो बोल ले पाएंगे उतना। चलिए, तो ये जो कह रहे हैं कि तीन तीन बार इस लगा के तीसरा बार वो भाग गई है आपको छोड़ के, तो पहला दूसरा बार वो कब कब भागी, कैसे किसके साथ भागी? मतलब भागी तो थी सर वो 30-40 बार भागी थी। अच्छा। 30-40 बार भागी तो वो 2-4-5 दिन पे चले आती थी। अच्छा। धीरे धीरे उसको मतलब आपको बिना बताए वो घर छोड़कर चली जाती थी और फिर आ भी जाती थी। हाँ, 2-4 दिन 5 दिन पे चले आती थी, फिर आपको बोल देती थी कैसे गए थे, तो आप केयर नहीं करते थे। कहीं जाती थी किसी को कुछ बोल देती थी कि मतलब क्या कहते हैं खाने नहीं देता है। अच्छा। तो किसी को कुछ बोलती थी मारता है। अच्छा। तो एक बार उसकी माँ सिखा रही थी कि तुम औरत हो, तुम्हारा पल्ला भारी है, कुछ भी तुम बोलोगे लोग तुम्हारे बात में आ ही जाएगा। अच्छा। तो वो चीज़ उसको दिमाग में सेट हो गया। अच्छा। तो उसके बाद सर वो मतलब क्या कहती सब काम करने लगी, तो फिर भी हम केयर नहीं किए, हम कहे चलो भाई उन लोग का क्या है अपना नहीं है क्या कहता है, तो रहती यहाँ है ये है 2-4 दिन में आप चले ही आती है, तो सब बात को केयर नहीं किए। धीरे धीरे सर उसका फिर रेशियो बढ़ते गया भागने का, 2-4 दिन 6 दिन, और जब भी वो भागती थी दोनों बच्चा एवं पति को छोड़ के अकेले भागती थी, किसी मर्द के साथ गाड़ी पे बैठी निकल गई। उसका जो है एक तरह से दिनचर्या बन गया कि हर 2-4 दिन पे रफू चक्कर हो जाती थी, मतलब धंधा हो जाता था। जैसे आई एक महीना रही, फिर कुछ बीमारी का बहाना लेके या फिर किया क्या कहते हैं मतलब कुछ से कुछ, अब उतना तो सर नहीं आता था। आप भी तो इसका मतलब ध्यान नहीं देते थे, जब एक बार गई, दो बार गई, तीसरी बार गई, तो आप उससे कड़ा से सवाल करते ना कि आखिर हमको बिना पूछे कहाँ जा रही है, अगर जाना ही है तुमको जहाँ तहाँ तो तुम जो है डिवोर्स दे के जाओ। अभी तक डिवोर्स दी है क्या, वो तलाक दी है? जी नहीं, नहीं दी है तलाक, नहीं, बिना तलाक दिए भाग गई। हाँ, शुरू से वो वही करते रही। और आपका आरोप है कि बराबर घर छोड़ के भाग जाती थी, तो आप ध्यान नहीं देते थे क्या, आप दारू शराब भी पीते थे क्या? नहीं सर, हम एक सुपारी भी नहीं खाते, मेरा दांत दिखा दे। अच्छा, नहीं सही बात है, आपसे पूछे क्योंकि आजकल देखिए होता क्या है, पति जो है शराब पी के उधर टन है और पत्नी क्या कर रही है, दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है कि दूसरे को घर में बुला रही है कि वो खुद घर से बाहर जा रही है, किस कोई मतलब नहीं। लेकिन चलिए आप कह रहे हैं कि हम सुपारी भी नहीं खाते हैं, तो ये बढ़िया बात है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि फिर भी कैसे आपके साथ इतना बड़ा घटना हुआ? मतलब ये जो है किसी मर्द से इंटंगल थी सर, इसके सर पे किसी का हाथ था और ये काम कर रही थी हर चीज़ चोरी छुपे का। अब पत्नी अभी ये जो मतलब क्या कहते हैं लड़की थी, ये मतलब घर से जो है मतलब क्या कहते हैं उसको मतलब पूरा मतलब उसके मायके से ट्रेनिंग मिल गया था, ठीक है, तो मतलब उसकी रिमोट कंट्रोल उसकी मैया जो थी वो पूरा पढ़ा दी। हाँ, तो हम उसको बोलते भी थे तुम्हारा भाई बाप माँ बाप ऐसा है, तू अपना उससे दूरी बना कर रखो, तो बोलती थी आप समझते नहीं है मेरा भाई बहुत अच्छा है। पत्नी की बात आप क्यों सुनिएगा, आपको जो चीज़ गलत लगेगा तो आप न केयर करिएगा, उसको डांटिएगा, उसको सतर्क रहिएगा। ये सब चीज़ करते थे अब सर, पत्नी जो कहेगी वही तो नहीं ना करना है। हाँ, वो आपको भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा ना कि हमारी पत्नी कैसी है, आपको उसके ऊपर जब शक हो रहा है तो आपको भी तो सतर्क रहना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो तो सर है, थोड़ा सा मिसिंग तो हो गया हमसे। अच्छा, लास्ट में कब भागी है ये, लास्ट बार कब भागी है? 2017 में भागी। अच्छा। 17 में भागी तो 1.5 साल रही। अच्छा। फिर हमको जो है मतलब किसी क्या कहते हैं मतलब कि किसी के अंदर में वो थी, ठीक है, किसी का वो रखेल थी, जब हमको पहुँचे वहाँ तब पता लगा। अच्छा, कहीं बाहर चली गई? बाहर नहीं चली गई थी, गांव में ही किसी का रखेल थी। अच्छा, वो बगल अगल में ही। हाँ, उसके बाद सर क्या कहते हैं हम गए तो अगला का सेटिंग था, अगला मतलब क्या कहते हैं उसको बोला कि उसको बुला फोन पर किसी तरह, तो हम गए बच्चा सबको लेके, बस वहाँ जाके आपको 10-15 आदमी से हमला करवा दी।
अच्छा अच्छा, यानी आपको मारने का भी साजिश की हुई। हाँ हाँ, और मतलब क्या कहते हैं, सारा चीज़ अगला आदमी से करवा के उसको फ़ोन मारी थी। वैसे तो सर उसका अगर कोर्ट के थ्रू मोबाइल का CDR निकलवाया जाएगा तो उसमें डायरेक्ट वो टाइम हम लूट कर दिए हैं। मतलब इस पर एक चीज़ बताइए, एक मेरा सवाल का जवाब दीजिए, अभी जब आपकी पत्नी भाग गई है तो आप उसका मोबाइल का डिटेल निकाल रहे हैं, सारा चीज़ निकाल रहे हैं, जब पत्नी आपके पास में थी तो उसका मोबाइल चेक करते थे आप कि मेरी पत्नी किससे बात करती है, किससे वीडियो कॉल करती? सर क्या थी कि हम जैसे काम पे बाहर चले जाते थे तो वो जो है नंबर जो है क्या कहते हैं वो लिखती थी, लिख के रखती थी कागज़ पे। अभी जो भागी तो जो है छोटा वाला बउआ गोदरेज झाड़ा तो उसमें 4-5 लड़का का नंबर था अलग अलग। अच्छा, वो हमारे पास अभी सबूत के तौर पर रखा हुआ है, उसका लिखा हुआ और कौन आदमी हम नहीं जान रहे हैं। तो वो 4-5 आदमी से वो हमारे जाने के बाद जैसे भर दिन घर से हम आउट रहते थे, किसी का मोबाइल लेके घर में बात कर लेती थी और फिर उसको वो क्या कहते हैं डिलीट, वो डिलीट मार देती थी। देखिए भैया, बात भी सही है कि पति कमाने जाएगा कि हमेशा पत्नी का पहरा करेगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। और ऐसी ऐसी कुलक्षणी पत्नी, पत्नी के नाम पे धब्बा, जो एक बार आए दोबारा भागे, फिर आए दोबारा तिबारा भागे, चौथा बार भागे, हद पार कर दिया। बताइए बेचारा जो है दर बदर भटक रहे हैं और इसके साथ में एक लड़का है, एगो लड़का को ले कर भी भाग गई है जैसा इनका कहना है। क्या नाम है बाबू? बेबम्मा। पढ़ते हो? मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? खूब भाग गई। भाग गई है? पापा को छोड़ के? छोड़ के तुमको छोड़ के? हाँ, हम वहाँ देखे लिए, वहाँ हमला कर दिया। अच्छा, उससे बाद 3-4-5 उसको लाने गए। लाने गया तुम और पापा, तो तुम लोग के ऊपर हमला करवा दिया। हाँ, उसके बाद 3-4 महीना रही, उसका फिर भाग गई। ओहो, फिर आई थी, 3-4 महीना रही, फिर भाग गई। हाँ, कोर्स करके आई थी वहाँ से। अच्छा, और हम अभी चलो ठीक है, तुम्हारी मम्मी फोन उन कभी नहीं करती है, फोन उनसे बात उतने नहीं करता, फोन बिजी कर देता है, अब फोन तो प्लास्टिक कर देता है, ब्लैकलिस्ट कर देता है, नंबर भी, इसलिए हमने बात करते हैं। देख सकते हैं बेचारा ये मासूम सा बच्चा, और किस तरह से वो महिला, वो अभद्र महिला जो भी कहिए कम है, किस तरह से जो है जिंदगी बर्बाद कर देता है। जबकि इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, इसको कोई चीज़ का कमी नहीं है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, समझ सकते हैं, अपना उद्योग भी चलाता है। और ये जो है मतलब ये कौन सा काम बोले आप, जमीन उमीन वाला? जमीन खरीद बिक्री का भी काम करवाते हैं और उसमें भी बढ़िया पैसा कमाते हैं, लेकिन घर द्वार भी इसका बहुत अच्छा है। फिर भी पता नहीं महिलाओं को क्या होता है कि अपने पति को छोड़ के 10-10 साल शादी होने के बाद भी, 2-2 बच्चे होने के बाद भी दूसरे के साथ भाग जाती है। अच्छा, अब बताइए लास्ट बार जो है वो कितने दिन से घर से बाहर है? अभी सर वो 1.5 साल से फरार है। 1.5 साल से फरार? हाँ, और नंबर तमर सब आधार कार्ड वगैरह से भी हटवा ली। अच्छा, और वहाँ जो उसकी माँ जो करप्ट औरत थी, पूरा परिवार इसका भ्रष्ट है, इसका 3 बहन था, तीनों को हस्बैंड छोड़ अच्छा, दिया। एक चीज़ बताइए, 1.5 साल से जब वो बाहर है तो 1.5 साल के दरमियान में आप जो है क्या प्रशासन का सहारा लिए, आप क्या कोर्ट गए, क्या कदम उठाए आप? अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी पत्नी जो आपको छोड़ के फरार हो गई है, उसमें उसका भाई और उसकी माँ का भी हाथ है? हाँ, वो लोग दलाल है, उसी का कमाई खाता है, कि उसको कुछ है नहीं। अच्छा, उसको एक टूटा सा झोपड़ी है लड़की को, बस और कुछ नहीं था। देखिए, एक और जो है सवाल आता है बीच में, जब ऐसा इस तरह का हम लोग खबर दिखाते हैं तो आजकल जिस तरह से लगातार महिलाएं जो है दूसरे के साथ भाग जाती है देखने को मिलता है, उससे कहीं ना कहीं एक और सवाल भी पैदा होता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, पति पत्नी को जो सुख चाहिए एक दूसरे से, क्या वो पूरा कर पाते थे आप, या उसमें कमी होता था? वो सब चीज़ कहीं कहीं सर कोई बात नहीं, जितना भी सर सारा चीज़ था फुलफिल हर चीज़ से करते थे। बात भी सही है भैया, 2 बच्चा हुआ, बच्चे देख सकते हैं 12-13 साल का, लगभग 15 साल का हो रहा होगा, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत दुख की बात है, ऐसी ऐसी महिलाओं को क्या सजा होना चाहिए आप लोग बताइए, कि इतना बदचलन का हद पार कर देती है। बदचलन, बेशरम, बेहया, जो भी कहिए, मतलब कम है। आवेदन वगैरह दिए हैं?
को हम बोले सर कि क्या कहते हैं मतलब तलाक देना है तलाक दे दो, तू बोले कि मेरा मन है, जब मन तब हम जाएंगे, जब मन तब हम आएंगे, इधर उधर करोगे तो तुम दोनों बाप बेटा को गायब करवा देंगे। मतलब देखिए हर तरफ से जो है इसके ऊपर एक महिला होकर जो है अत्याचार की, शोषण की, पैसा वैसा लेके भी भागी है क्या? हाँ हाँ, घर से सर क्या कहते हैं मतलब जो है ये गहना लेके भागी है और 1.5 लाख रुपया नगद लेके भागी है। अच्छा, अभी कहाँ वो रह रही है, कुछ पता आता है? नहीं सर, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और आप बोल रहे थे कि उसका फोटो अगर आया है किसी दूसरे के साथ फ्लैट व्लैट में घूम रही है, सही बात है? सुनने में तो सर हमको आया है, ठीक है, लेकिन पूरा मतलब कन्फर्म तो हम नहीं है सर, लेकिन हम दो ठो फोटो हम खुद खींचे थे कोर्ट में किसी गैर मर्द के साथ, एक बार किसी के साथ बाइक पर कोर्ट में। हाँ, अच्छा क्या लगता है कोर्ट में भी आप देखे तो क्या लगता है कि वो दूसरे के साथ शादी उदी कर ली है क्या, कोर्ट मैरिज तो नहीं कर ली? हमको तो ऐसा लग रहा है सर कि मतलब सिंदूर वो हमारे नाम का यूज कर रही थी, बाकी हर चीज़ वो किसी और के नाम का था। ये तो गलत हो गया ना, वो तो एक तब वो तो अथी वाला काम हो गया, रखेल वाला काम हो गया। हाँ, तो वो रखेल ही नहीं थी तब ना, सही औरत रहती तो ऐसा करती का है? इतना मानसिक दबाव, मानसिक क्षति, मेरा आर्थिक क्षति। उस एक बार सर मेरा हाथ टूट गया था तो 2-3 महीना जो है हम क्या कहते हैं हमको देखी उसके बाद छोड़ के भाग गई। अच्छा, उसके बाद जो है फिर 7 महीना 8 महीना बाद आई, फिर 2-3 महीना रही, उसका आधार कार्ड वगैरह सर सही करवाए, पैन कार्ड सही करवाए, फिर ब्लॉक में पहचान पत्र बनवाए, उसका सारा चीज़ करके वो घर से। अच्छा, इधर जब वो 1.5 साल से गायब है तो 1.5 साल के दरमियान में कभी उससे कोई संपर्क हुआ आपसे, मोबाइल वोबाइल पे बात उत हुआ कहीं कभी भी? हम कभी भी कॉल किए तो मतलब जवाब नहीं दी, वो जब भी फ़ोन करती थी अपने मूड के हिसाब से फ़ोन करती थी, और जब हम इधर से कुछ करना चाहते थे तो मोबाइल को बंद कर देती थी, कि वो जो है मोबाइल पर जो मतलब कि 24 घंटा में 20 घंटा ऑनलाइन ही रहती है वीडियो कॉल पर। सर कि मार्च की अप्रैल में हम एक मेरा दोस्त है वकील है उसके थ्रू हम कोर्ट में ये दिए हुए हैं, ये औरत जो 18 साल से गेम खेल रही थी हमारे साथ, जितना भी चीज़ की है वो मजिस्ट्रेट साहब को हम बता दिए हैं, एक कॉपी शायद SP साहब के यहाँ भी गया हुआ है। चलिए बाकी जो है आप लोग क्या सोचते हैं, हालांकि बेचारा ये हमको काफ़ी जो है सीधा साधा और भोला भाला दिखने में लग रहा है, कहीं ना कहीं इसीलिए इसके साथ इतना बड़ा छल हुआ है। ऐसी महिलाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं जो दुनियादारी को छोड़ के, पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, अच्छे घर द्वार को छोड़ के फरार हो जाती है, आखिर उसके ऊपर कौन सा ऐसा जो है प्यार का भूत सवार होता है कि वो दूसरे तीसरे के साथ जो है फरार हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। SP साहब क्या उसके बारे में दे चुके हैं? हाँ ठीक है, आवेदन है? हाँ हाँ है सर, आवेदन आपके पास है? हाँ हाँ है सर, तो अभी SP के यहाँ दिया हुआ है, कोर्ट में दिया हुआ उसके नाम से। जब हमको हमला करवाई थी, उसका धमकी दी कि तुमको और तुम्हारा बच्चा को गायब कर देंगे, ये चीज़ हम दे दिए हैं। अच्छा देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोई पति कोई महिला को छोड़ के दूसरे से शादी कर लेता है तो वो पत्नी जो है उससे अपना अधिकार मांगने लगती है, उसका कमाई में भी हिस्सा चाहिए, घर में भी हिस्सा चाहिए, हर चीज में हिस्सा चाहिए। लेकिन जब कोई पत्नी जो है पति को छोड़ के दूसरे के साथ फरार हो जाए और गुलछर्रे उड़ाए तो उस पति को क्या चाहिए, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। हालांकि ये बोल रहे हैं, कोर्ट में भी गए हैं, SP को भी आवेदन दिए हैं। अगर बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लगातार खबरों के लिए DNY न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।